जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस कराएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, ऑप्शन लेवल और डाटा एनालिसिस 3 से 6 अक्टूबर 2023 के लिए। और मैंने शीर्षक दिया दिस मंथ बम्पर प्रॉफिट। तो चलिए अब अपने देख लेते हैं बम्पर प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो ज़रूर से देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। ये समरी है, पूरे मंथ की समरी नीचे में दी हुई वीकली वाइज। बाकी वीडियो में तो मैं डालता ही हूँ वीकली में। और ये मंडे, ये फ्राइडे का भी ऊपर में दिया हुआ है। 2410 रुपये का लॉस हुआ। जो लॉस हुआ अपने, जो निफ्टी अपने लिया है 19000 का पुट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो 82.65 का क्लोजिंग था तो 52 रुपये कल क्लोजिंग दिया, तो उस बोल के 1500 रुपये उसमें लग गया। बाकी 900 रुपये अपने को कल लॉस हुआ है। और पूरे मंथ की समरी है, टोटल अपना इस वीक में 18133 जमा किए हैं। चारों वीक का मैंने दिए, डेट वाइज देख लीजिए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। और टोटल सितंबर मंथ में नेट 39393 रुपये अपने प्लस किए। सिर्फ एक एक लोड का मैंने काउंट किया है। लोग बोलते हैं ना कि सर प्रॉफिट नहीं होता है, बाद प्रॉफिट होता है। लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट हुआ तो वो अपने मर्जी से फिर दूसरा सौदा ले लेते हैं, उसी में उनको लॉस लग जाता है। अरे भाई, जो प्रॉफिट मिल गया 500, 1000, 1500, शांति से बैठिए, समझ में आवे तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, जरूरी नहीं है करने का। ये सिर्फ मैंने एक एक लोट लिखा हुआ है, कैलकुलेट वन लोट ईच। और अपना ये 19000 का पुट 43 रुपये का एवरेज में, क्यों 53 में दिलवाया था और 75 में 50% बिकवा दिया था, तो मैंने 10 रुपये लेस करके 43 का मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, लिया हुआ है। और क्लोजिंग 52.5 का थमाया हुआ है भाव। तो ये है समरी पूरे मंथ की 39393। अब आगे देखिए और भी है। ये कमोडिटी की समरी है, ये मैंने इसी वीक से लिखना शुरू किया था, इसी वीक से। तो ये 25 से लेके कल तक 29 तक है। और टोटल देखिए मंडे को 3250 का पूरा, इसमें पूरा दिया हुआ है, वीक का ही लिखा हुआ है जो मैंने किया है। टोटल 16592 रुपया इसमें प्रॉफिट हुआ है, इसमें भी कैलकुलेट वन लोड का ही मैंने लिखा हुआ है। और ये इसी वीक का है, इसी वीक से मैंने लिखना शुरू किया है। तो एक ही वीक में 16000 रुपये अपने को मिला। और नेचुरल गैस 270 का कॉल अपने 550 में लिए थे, ऊपर मैंने एक दो बार बिकवा दिया था 125 रुपये में, तो वो तो मैंने इसमें काउंट ही नहीं किया। आपसे मैं काउंट करूँगा अगले हफ्ते से जो भी होगा। तो 565 का क्लोजिंग भाव दिया, उसी हिसाब से मैंने पकड़ा हुआ है। टोटल 16592 और वहाँ पे 39000 पकड़ी है, 393 है ना, 39000 पकड़ी, यहाँ 17000 पकड़ी है, कितना 56000 रुपया एक एक लोड करके। उसमें मंथ में 39000 रुपया और इसमें वीक में 16600 रुपया, तो टोटल ये 56000 रुपया हुआ। ये आप देख सकते हो सिर्फ एक एक लोड कैलकुलेट करके। अगर आपको मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल से ज्वाइन होना हो तो मंडे टू फ्राइडे वीकली फी 500 रुपया है, और मंथली देना हो तो पहला तारीख को 1600 रुपया है, और एब्रॉड के लिए 1000 रुपया है। और नोट कीजिएगा, मैं ओनली लेवल देता हूँ, टिप्स नहीं देता हूँ, सिर्फ ऑप्शन के लेवल देता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी के सबके लेवल देता हूँ, टिप नहीं देता हूँ। और अगर आप को मेरे ऑप्शन लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी से बेनिफिट हो रहा हो और आप कंट्रीब्यूशन भी भेजना चाहो तो QR कोड स्कैन करके कंट्रीब्यूशन भी भेज सकते हो। अब आने वाले अगले हफ्ते के लिए मार्केट कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। और US में शटडाउन का जो मामला है, अभी 2 दिन है, सोमवार तक क्या होता है, ऐसे तो ये लोग ना बोल दिया, फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो उसके हिसाब से मंगलवार को अपना बाज़ार खुलेगा। और मंगलवार को हो सकता है गैप अप भी खुले और या गैप डाउन के चांस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। और FII ने इस वीक में भी अच्छा खासा माल बेचा है निफ्टी फ्यूचर में, तो अपने लॉन्ग तो नहीं, अपने तो चलिए इंट्राडे वाले हैं, जो भी है लेवल से करेंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कॉमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज़ प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एचएन स्टॉक्स बियर्स।
और एक HM कमोडिटी है, वहाँ पे मैं वीकली वीडियो डालता हूँ डाउ जोन के लेवल, कमोडिटी स्टॉक्स के लेवल में वहाँ पे वीडियो पोस्ट करता हूँ वीकली का, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको उस वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप की है। फ्राइडे को इंडेक्स में FII ने बाई किया 2931 करोड़ का और सेल किए 3631 करोड़ का, नेट बेसिस में 701 करोड़ का सेल किए हैं और LS रेशियो 0.38 है। FII ने FNO स्टॉक्स में 1716 करोड़ का बाई किए, कैश में सेल किए 1686 करोड़ का, नेट बेसिस पे DII ने नेट बाई किए 2751 करोड़ का। तो पूरे वीक का देख लीजिए, FII इंडेक्स में सेल किए हैं और कैश में भी पूरा सेल किया है और FNO में भी सेल ही है एवरेज में देखा जाए तो, और DII ने पूरा सपोर्ट किया है उसके सामने बाई करके। अब ये DII बाई करना छोड़ दे तो बाजार कहाँ चला जाए ये सोचिएगा। 29 सितंबर की और 3 अक्टूबर को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 13,200 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए इंडेक्स फ्यूचर में, FII ने सोल्ड किए 8,026 कॉन्ट्रैक्ट और प्रो ने सोल्ड किए 8,687 और इंडेक्स कॉल में भी क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,75,140 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो 94,964 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में रहते हैं। FII ने 57,064 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए तो अब वो घट के लॉन्ग से 1,09,598, प्रो ने 2,32,204 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए तो नेट बेसिस पर वो सिर्फ 14,635 कॉन्ट्रैक्ट ही शॉर्ट में है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 1,22,095 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए तो नेट बेसिस पर भी वो शॉर्ट में है 4,48,300 और DII ने 29,022 कॉन्ट्रैक्ट बोध किए है। FII ने सोल्ड किए 1,24,131 कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने अपने इंडेक्स पुट में लॉन्ग घटाया है, 2,46,346 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग में खड़ा है और प्रो ने 26,987 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए तो नेट बेसिस अभी वो 65,364 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी लॉन्ग में है इंडेक्स पुट में। ओवरऑल समरी डाटा ये बोल रहे दोनों साइड है, अब ट्यूजडे को क्या खुलेगा उसके ऊपर है बाजार। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। वीकली लेवल 3 से 6 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पोर्ट बिलो 9,100 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 8,981 8,857, लेसन ऊपर में 9,223। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए, मनी कंट्रोल PCR 1 है और मैं जो बनाता हूँ 0.99 है। इंट्राडे ट्यूजडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पोर्ट बिलो 9,085 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 9,044 9,000, रजिस्टर ऊपर में 9,149, स्पोर्ट क्लोजिंग 9,105। ये मंडे एक्सपायरी मेरा गलत लिखा हुआ है, एक्सपायरी तो फ्राइडे को हो गया, अब नेक्स्ट मंडे आएगा तो ये नोट कर लेना आप। निफ्टी मिड कैप स्पोर्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 3 से 6 अक्टूबर 2023 के लिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आप नोट कर सकते हो ताकि आपको पूरे वीक में लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के निफ्टी मिड कैप 9,100 का कॉल वीकली वाला बिलो 85 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 65 45, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 105। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 9,050 का पुट वीकली वाला जहां घटे हुआ 3165 के पास लीजिए, सपोर्ट 21 रुपया, क्लोजिंग बेस रेशन 54 और 78। वीकली लेवल 3 से 6 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 19,632 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,500 19,360 19,222, रेशन ऊपर में 19,772 19,900 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 1.04 है और मैं जो बनाता हूँ 0.94 है। इंडियन रुपीज 83 रुपये 15 पैसा क्लोजिंग है, वीक्स 11.45। ट्यूसडे
3 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 19638 के नीचे सेल जोन, यानी क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन, क्लोजिंग के ऊपर तो बाय जोन। सपोर्ट 19550, 19465, रेजिस्टेंस ऊपर में 19725। ये निफ्टी स्पॉट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरे वीक में लर्निंग पर्पस में ये हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19500 का पुट है वीकली वाला, अबव 33 के ऊपर बाय कीजिए। सपोर्ट 15 का रखिए, मैंने क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाय, रेजिस्टेंस ऊपर में 43 और 65। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19600 का कुल वीकली वाला, बिलो 127 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 79.51, बाइंग करना हो तो 41 के पास, रेजिस्टेंस ऊपर में 166 रहेगा। वीकली लेवल 3 से 6 अक्टूबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 65825 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 65365, 64900, 64400, रेजिस्टेंस ऊपर में 66350। और मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 65850 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 65500, रेजिस्टेंस ऊपर में 66135। सेंसेक्स स्पोर्ट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको पूरे वीक में लर्निंग पर्पस पे हेल्पफुल हो सके। इफ यू आर बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल HM स्टॉक्स बियर्स और HM कमोडिटी। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीकली लेवल 3 से 6 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 19775 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19640, 19465, 19330, रेजिस्टेंस ऊपर में 19948, 20085। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.94 है और मैं जो बनाता हूँ 0.97। ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19790 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19711, ऊपर में रेजिस्टेंस 19890। ये मंगलवार को एक्सपायरी है और क्लोजिंग दिया 19800, यानी 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर कहीं भी हो सकता है। ये फिन निफ्टी स्पॉट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरे वीक में लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19750 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे वहां 3165 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 4 दिए, 21 16 10 और 5, रेजिस्टेंस ऊपर में 60 और 85। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19750 का पुट है वीकली वाला, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई कीजिए, 00 यही रहेगा। सपोर्ट 12.5, 6.65, 2 दिया है, रेजिस्टेंस ऊपर में 35 46 और 65 तक जा सकता है। वीकली लेवल 3 से 6 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 44585 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 44200, 43815, 43450, रेजिस्टेंस ऊपर में 44955, 45300 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.91 और मैं जो बनाता हूँ 0.9। ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पोर्ट बिलो 44550 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 44368, 44152, रेजिस्टेंस ऊपर में 44778। यह बैंक निफ्टी स्पोर्ट के फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, चाहे तो आप नोट कर सकते हो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में पूरे वीक में हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44700 का कॉल वीकली वाला, बिलो 195 के नीचे सेल जोन, रेजिस्टेंस ऊपर में 240, सपोर्ट 133, 90 और 70 तक आ सकता है। इंट्राडे ट्यूसडे 3 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44500 का पुट वीकली वाला, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाय कीजिए या तो डिप में 108 से 90, रेंज मैंने दो दिए सपोर्ट 70 और 45, तो जहां
लेवल में आवे वहाँ पर लेना चाहिए। रईसन ऊपर में 196-280, और ये नोट कीजिएगा, ये मंगलवार को मार्केट खुलेगा और बुधवार को हीरो जीरो है, तो ये मंगलवार को ये लोग हीरो जीरो कर लेगा, तो ये समझ के स्टॉप लॉस डाल के लीजिएगा। यदि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।